जिसे हम सभी लोग मी के नाम से जानते हैं, और साथ आपने इसका नाम सुना ही होगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता है शाओमी से जुड़े कुछ मजेदार, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में? नहीं पता है ना? तो आज की इस वीडियो में मैं शाओमी कंपनी से जुड़े कुछ मजेदार, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आप सबको बताने वाला हूं। तो अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों शाओमी कंपनी कम प्राइस और बेहतर फीचर्स की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। और शाओमी कंपनी का एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था मी 3, और ये मी 3 स्मार्टफोन को शाओमी कंपनी ने मात्र दो सेकंड के अंदर 15,000 फोनों को बेच दिया। और 15,000 फोन को 2 सेकंड के अंदर बेचना कोई आम बात नहीं है मेरे भाई। और यही नहीं, बात खत्म होती है। शाओमी कंपनी ने 2014 में 2.1 मिलियन स्मार्टफोन को मात्र एक दिन के अंदर बेच दिया। और ये जितने सारे रिकॉर्ड हैं, ये इतने सारे रिकॉर्ड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। तो शायद ही आप इसके बारे में जानते होंगे। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों शाओमी कंपनी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया था कि शाओमी कंपनी अपने यूजर्स के डेटा को चाइना के सर्वर पर भेज देता है। और डाटा कुछ ऐसे हैं कि शाओमी कंपनी का एक स्मार्टफोन है और उसमें जितने सारे कॉन्टेक्ट नंबर सेव हैं, यूजर्स किससे बातें करता है, किससे नहीं करता है, कॉल रिकॉर्डिंग और तमाम तरह की जितनी सारी चीजें हैं, सारा इंफॉर्मेशन है, शाओमी कंपनी चाइना के सर्वर पर भेज देता है। और ये आरोप लगाया था यफ सिक्योर नामक की कंपनी, और ये एक ऐसी कंपनी है जो कि सिक्योरिटी कंपनी है, साथ आप इसके बारे में जानते ही होंगे। तो इन्होंने आरोप लगाया था शाओमी कंपनी के ऊपर, और जब इसके बारे में शाओमी कंपनी से पूछा गया तो उन्होंने इस बात को लेकर साफ मना कर दिया, और उन्होंने कहा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। लेकिन जब इस बात को एकदम प्रूफ के तौर पर दिखाने के लिए सोचा गया तो ये जो यफ सिक्योर नामक कंपनी है, इन्होंने एक शाओमी कंपनी का स्मार्टफोन लिया और वहां पर उन्होंने कुछ कॉन्टेक्ट नंबर को सेव किया और वहां से कुछ लोगों से उन्होंने बातें किया। तो बाद में पता चला कि भाई ये जो बातें हैं ये 100% सही है, और जितना सारा डाटा है वो चाइना के सर्वर पर पहुंच गया। जब इस चीज को प्रूफ के तौर पर जब शाओमी कंपनी को दिखाया तो उन्होंने कहा हाँ भाई, मैं इस चीज का प्रयोग करता हूँ और मैं जितने सारे डेटा रहते हैं मैं चाइना के सर्वर पर भेजता हूँ, लेकिन कब? यूजर्स के परमिशन के अनुसार करता हूँ। यानी कि जब यूजर्स मी क्लाउड का यूज करता है तब मैं जितने सारे डेटा रहते हैं मैं चाइना के सर्वर पर भेजता हूँ। तो साथ आप लोग इसके बारे में बहुत कम जानते होंगे। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों क्या आपको शाओमी का मतलब पता है? नहीं पता है ना? तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों शाओमी दो वर्ड से मिलकर बना है, और ये दो वर्ड है चाइनीज वर्ड। सबसे पहला शाओ, जिसका मतलब होता है लिटिल, और दूसरा है मी, जिसका मतलब होता है राइस। और इन दोनों का मतलब होता है लिटिल राइस, यानी कि शाओमी का मतलब होता है लिटिल राइस। और इन दोनों को, यानी कि शाओमी को इंग्लिश में मिलेड के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब बाजरा होता है। और इस कंपनी का सीधा यही कहना है कि अगर आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप छोटे चीजों को देखो। या ये कंपनी कहती है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो तो सबसे पहले आप उस छोटी छोटी चीजों को देखो, तब फिर आप बड़ी बड़ी चीजों को देखो। तो साथ आप इसके बारे में बहुत कम जानते होंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यही इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में यही इतना ही। बाकी जो मर्जी हूं तो हो रे, पर गाल नहीं कटनी।